आप इधर आ जाओ दादा, आप इधर मध्य प्रदेश के दतिया में एक 400 साल पुरानी जंजर दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार गिरने से मलबे में 9 लोग दब गए, जिसका रेस्क्यू अभी भी जारी है। अब तक 2 शव निकाले जा चुके हैं और 2 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। हादसे में 3 परिवारों के सदस्य दबे हुए हैं, जिनके कई लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन और एसटीआरएफ की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और राहत कार्य तेजी से जारी है। हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें प्रशासन के साथ साथ एसटीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। अब भी मलबे के नीचे 3 बच्चों सहित 5 लोग दबे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव कार्य लगातार जारी है। कलेक्टर संदीप मकीन, एसपी वीरेन कुमार मिश्रा और कोतवाली टीआई धीरेन मिश्रा भी मौके पर मौजूद है और स्थानीय पर स्थिति पर नजर डाल रहे हैं। दुर्घटना में 3 परिवारों के सदस्य मलबे में दबे हुए हैं। निरंजन वर्षकार, उनकी पत्नी ममता और बेटी राधा मलबे में फंसे हुए हैं। उनके 2 बेटे सूरज और शिवम की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे परिवार के किशन और उनकी पत्नी प्रभा भी मलबे में दबे हैं। तीसरे परिवार में मुन्ना वंशकार और उनके बेटे आकाश को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और अस्पताल भेज दिया गया है। ये दीवार लगभग 400 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसे सन 1629 में तत्कालीन राजा इंद्रजीत ने बनवाया था। बीते 30 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे दीवार कमजोर हो गई और भरभरा कर गिर गई। बारिश की वजह से दीवार की संरचना और कमजोर हो गई, जिससे ये दुर्घटना घटी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया और रेस्क्यू कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर और एसपी के साथ एसटीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है। प्रशासन ने लोगों के से संयम बरतने की अपील की है और लगातार हो रही बारिश के कारण अन्य पुरानी इमारतों की जांच भी जारी है, ताकि आगे ऐसी और दुर्घटना ना हो सके।